वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने द शू लॉन्ड्री के नए कॉन्सेप्ट से कुछ चीजें सीखी। एक तो ये कि अपने आसपास के लोगों पर नजर रखिए, आपको उनकी दिक्कतों में अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी। दूसरी बात, रिटेल सर्विस के छोटे खिलाड़ी फोकस तरीके से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। एक तो खर्च बचेगा और दूसरा आप धीरे धीरे एक एक करके मार्केट पर कब्जा कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हमारे पास आज तीन बिजनेस आइडियाज आए हैं जो हमारे व्यूअर्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं, और इन बिजनेसेस की इंट्रिकेसीज हमें समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं लैडर ऑफ कॉर्पोरेट एडवाइजरी के MD सुनील गोयल। गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मोहम्मद सरफराज खान का सवाल मैं आपके साथ लेना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ से हैं ये, इनकी कंप्यूटर हार्डवेयर और सर्विसिंग की दुकान है, छोटी सी दुकान है, और अभी तक ये कुछ सरकारी दफ्तरों में अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी कंप्यूटर देते हैं। इस बिजनेस को ये थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनकी दिक्कत ये है कि इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं है, 12वीं पास है, एक डिप्लोमा कर रखा है इन्होंने कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग में। सबसे पहले तो इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस एक्विपमेंट ज्यादा जरूरी है बजाय पढ़ाई होने के। और मैं इस बिजनेस में ये कहना चाहूँगा कि सर्विस इज मोर इम्पोर्टेंट, और सर्विस में अगर ये ठीक से करेंगे तो इनके लिए एक रेगुलर रेवेन्यू लाइन बनेगी। और जहाँ तक कंप्यूटर हार्डवेयर सेल करने का सवाल है, इस धंधे में प्रॉफिट मार्जिन कम है और इसके कई रिस्क हैं। कैपिटल इंटेंसिव है, प्राइस डिटेरिएशन जल्दी होता है, टेक्निकल ऑब्सोलेंस जल्दी होता है। इसके लिए मेरे ख्याल से उस पर कम फोकस करके इनको ज़्यादा फोकस सर्विस पे करना चाहिए। दूसरी बात जो इनके लिए एक अच्छा बिजनेस की लाइन हो सकती है, वो जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कंप्यूटर में जो पुराने कंप्यूटर्स हैं उनको लेकर के उनको आइदर रीसेल करने का या डिस्पोज करने का, वो बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा कमाई हो सकती है बजाय नए हार्डवेयर सेल करने के बजाय। दूसरा सवाल हमारे पास आया है, ये नीरज का सवाल है, और ये फर्निशिंग्स का बिजनेस करना चाहते हैं। ये डिजाइनर पैनल्स, बैलेंसेस, चेयर्स, बेडिंग, बाथ एक्सेसरीज, कुशन, कवर, टेबल कवर्स और डेकोरेटिव आइटम्स जैसे वासेस, शैंडेलियर्स, ये सब बेचना चाहते हैं। ये एक बड़ा सा फर्निशिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। हालांकि फिलहाल रियलिटी ये है कि इनकी एक बहुत छोटी सी दुकान है जो जिसके लिए सामान शायद ये अपने घर में ही रखते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और प्राइसिंग कैसे करूं, पैसा कहां से लाऊं। देखिए, मेरे ख्याल से इनको सबसे पहले तो एक क्लास ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए बजाय कि वो एक यू नो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स पे वो फोकस करें। और सबसे पहली बात जो इनके लिए होनी चाहिए वो वेंडर डेवलपमेंट की होनी चाहिए। अच्छे क्रिएटिव वेंडर्स इनको चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में जो फैशन है, डिजाइन है, वो बहुत जल्दी मूव होती है। और वो वेंडर्स को आइडेंटिफाई करके उनसे प्राइस नेगोशिएट करके ठीक से, एंड देन ही शुड फोकस ऑन दी बिग रिटेल चेन्स, बिग स्टोर्स, और वहां पे वो उनको सप्लाई करें। दूसरी बात, जो उनकी दुकान है, जो आपने बताया कि वो कुछ घर के पिछवाड़े में है, तो वो दुकान को ये ठीक से थोड़ा सा एस्थेटिक व्यू ठीक कर लें, और फिर उसमें कुछ जो इनकी आइटम्स हैं उनको ठीक से डिस्प्ले करें। और जो उनका शहर, मेरे ख्याल से छोटे शहर से हैं ये, तो वहां के चौराहे पे 2-3-4 होर्डिंग्स लगा दें वहां पे, तो उससे उनका एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, दुकान की जानकारी होगी लोगों को, और साथ साथ में उनको एक वेबसाइट डेवलप करनी चाहिए उनकी। ओके, आखिरी सवाल हमसे शकील खान ने पूछा है, और ये अपनी एक वेबसाइट खोलना चाहते हैं ilajindia.com, जो एक मीटिंग पॉइंट होगा डॉक्टर्स और पेशेंट्स के लिए। तो डॉक्टर्स की वहां पे खूब सारी लिस्टिंग होगी, मैं पेशेंट हूं, मैं जाऊंगा वेबसाइट पे, क्लिक करूंगा, मुझे इस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए, ये वेबसाइट पे मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और डॉक्टर इनको थोड़ा सा कमीशन दे देगा क्योंकि उसने उन तक एक कस्टमर पहुंचाया। तो वो चाह रहे हैं कि ये डॉक्टर्स के लिए भी, साथ ही साथ जिम के लिए भी, ब्यूटी केयर क्लिनिक्स के लिए भी इस तरह का एक पॉइंट शुरू कर सकते हैं, एक वेबसाइट। अच्छा आइडिया, देखिए ये भी एक आइडिया, बड़ा अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें मेरा ये सुझाव रहेगा कि डॉक्टर्स का एम्पनलमेंट एक अच्छी बात है, लेकिन ये एक तो ये एरिया स्पेसिफिक करें। ये एरिया स्पेसिफिक करने से इनको फायदा क्या होगा कि इनकी जो रीच है, बिकॉज इसमें रीच चाहिए आपको, काफी डॉक्टर्स से एम्पनलमेंट करना पड़ता है, तो वो एरिया स्पेसिफिक में आप डिफरेंट डॉक्टर्स को आप आइडेंटिफाई करिए, और वहां पे बहुत हाई एंड वाले डॉक्टर्स को आपकी जरूरत नहीं है, और जो लो एंड है वो आपकी रिपुटेशन को खराब करेंगे। इसके लिए आपको जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं जिनको अपनी प्रैक्टिस डेवलप करनी है, उनको आप आइडेंटिफाई करिए। इसके लिए इनके धंधे में इनको 2-3 आदमियों का अच्छी एक टीम होनी चाहिए या कोई एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए जिन पे लोग ट्रस्ट कर सके। इसके साथ में इनको एक पेमेंट गेटवे बनाना पड़ेगा,
क्योंकि अगर पेमेंट वेबसाइट के अंदर वेबसाइट डेवलप करके अगर पेमेंट गेटवे नहीं होगा तो ये खाली एक येलो पेज जैसी चीज बनकर रह जाएगी जिसमें रेवेन्यू मॉडल खाली एडवर्टाइजमेंट का रहेगा विच मे नॉट बी सफिशियंट फॉर हिम। तो एक तो इनको पेमेंट गेटवे करना चाहिए, दूसरा मेरे ख्याल से इनको डॉक्टर्स वाला तो एक बिजनेस है ही है, उसके साथ में पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स जो आज हमें हर घर की जरूरत है। आज जैसे अभी हमारे दादाजी को केयर करने की जरूरत है, हमारे घर में एक नर्स की जरूरत है, मैं डॉक्टर को तो फिर भी ढूंढ लूंगा बाहर, बट नर्स को ढूंढने कहाँ जाऊं मैं। दूसरी बात जो डॉक्टर्स के साथ में इनको जो ब्यूटी है, सलून है, जिम है, वेट मैनेजमेंट है, स्किन एंड हेल्थ केयर है, इस तरह के सर्विसेज पे और प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वेबसाइट कैन बी वेरी यूजफुल इन दैट, और अगर वो एक बिजनेस और अच्छा डेवलप हो जाता है इनका तो उसमें रेवेन्यू भी ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे शो पर आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आप भी किसी बिजनेस आइडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं smallbiz@network18online.com पर। ब्रेक के बाद